मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और सुबह के 8:30 बज गए। आज का दिन तो अमेजिंग वाला हुआ। हुआ क्या कि मैं रात में जल्दी सो गई, 10:30-11 बजे के करीब। तो मुझे लगा कि मैं काफ़ी दिन ऐसा हो रहा था, काफ़ी दिन क्या एक महीना हो गया कि मैं पूरी रात जगती थी और सुबह सोती थी, फिर 10 बजे उठ जाती थी। तो मैं सोचा आज जल्दी सो जाऊँगी। मैं गई, लेट गई, 30 घंटे मुझे नींद भी आ गई एंड सुबह मेरी 3 बजे आँख खुल गई। क्योंकि मैं 3-4 घंटे की नींद होती, 4 घंटे की अगर मैं ठीक से सो लूँ तो मैं ऑटोमेटिक उठ जाती हूँ। सुबह 3 बजे उठ करके कुछ काम तो हो नहीं सकता था। आप ये भी सो रहे थे, 2 घंटे कंट्रोल किया मैंने। 2 घंटे कंट्रोल करते करते सुबह 5 बज गया। अब कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो मैंने 5:30 बजे इनको उठा के, मतलब ज़बरदस्ती उठा दिया, उठो उठो उठो। तो अच्छी बात ये हुई कि आज हम लोग सुबह सुबह 5:30 बजे उठ गए, 6 बजे तक हम लोगों ने चाय पी ली एंड फिर हम लोग गए घूमने, बाहर टहलने गए। तो देखा कि सुबह सुबह 6 बजे के लगभग इतनी फ्रेश सब्जियाँ एंड एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मुझे एक कॉस्मेटिक की शॉप भी खुली हुई मिली। तो जिनको जो लोग काफ़ी सारे मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स भी हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो वो लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें सुबह उठ कर के जल्दी बाहर निकले। आई थिंक उनको जो ज़रूरत के सामान है वो सुबह 9 बजे से पहले पहले मिल जाएंगे, 8 बजे से पहले। क्योंकि मैंने उस शॉपकीपर से पूछा तो वो बोल रहा है कि सुबह सुबह हम लोग 6 बजे खोल देते हैं, 8, 8:30, 9 बजे तक वो बंद कर देते हैं शॉप को। और नॉर्मली अब ये हो रहा है कि लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, कोई ऑफिस में जा रहा है, तो 8 बजे लोग सो के ही उठ रहे हैं मेरी तरह। मैं और ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। तो मेरा पार्सल आ गया है पर्पल से। हाँ, पर्पल में डिलीवरी स्टार्ट हो गई कॉस्मेटिक की भी। तो जो ग्रीन जोन एंड ऑरेंज जोन है वहाँ पर डिलीवरी है और हमारा रेड जोन में नहीं है, क्योंकि मेरा एरिया पूरा ही रेड जोन में है तो इस वजह से डिलीवरी नहीं है यहाँ पर। जिनका ग्रीन जोन में आ रहा है वो लोग पर्पल से डिलीवरी करा सकते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सारे ऑनलाइन डिलीवर होने लगे हैं और बहुत सारे जो इंस्टाग्राम पे मतलब इंस्टा स्टोर है वहाँ से भी लोग डिलीवर कर रहे हैं। तो मेरे पास मैसेज आया था बट वो ग्रीन जोन एंड ऑरेंज जोन में ही हो सकता है। तो जिन्हें ज़रूरत है प्लीज़ आप लोग परचेज करिए, हम तो नहीं कर सकते। तो हाँ, इसेंशियल प्रोडक्ट आ रहे हैं तो मैंने पर्पल से मंगाया है, कुछ चीज़ें थी मुझे जो ज़रूरत थी मेरे पास ख़त्म हो गई थी। ये मुल्तानी मिट्टी मैंने कभी ट्राई नहीं किया पूरी लाइफ में, बट मैंने सोचा एक बार इसका DIY करके देखते हैं। मैंने DIY के लिए मंगाया ये एंड अगेन सीरम गुड वाइब्स। तो ये है कुकुम्बर एंड लेमन का आई सीरम है, जो कि अंडर आई सीरम है और 10 ml है। और मुझे पड़ा है ये 225 का है और 20% डिस्काउंट था इस पर। और ये है रोज़ हिप रेडिएंट ग्लो फेस सीरम। और इसकी पैकेजिंग अब दूसरी आने लगी, पहले ब्लू कलर की पैकेज में आता था ये, अभी इस टाइम पे ये ऐसे आ रहा। तो ये 2 सीरम मैंने मंगाए गुड वाइब्स से एंड ये मैंने मंगाया है रोज़ हिप जो डे टाइम क्रीम है नरिशमेंट की, गुड वाइब्स की ये भी है एंड गुड वाइब्स का ग्लो टोनर और एज वेल माई फेवरेट रोज मिस्ट। बोतल ख़त्म कर चुकी हूँ जब से मैंने पर्पल से स्टार्ट किया। मुझे इसकी फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, एक बार आप ट्राई भी करिएगा, ये फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। और मैंने इस समय अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया और ना ही यहाँ पर आपको ब्यूटी कोई मैंने ब्यूटी मोड ऑन किया है, तो काफ़ी अच्छा है ये भी। मैं फेस पे कुछ लगा लूँ ना तब ज़्यादा ख़राब लगती हूँ, मैंने फील किया है। और ये है होल व्हीट ग्रेन नाइट नरिशमेंट क्रीम है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और
डोजिप मैंने ट्राई नहीं किया है, इसकी जगह पे मैंने पहले मंगाया था कोकोनट, तो कोकोनट भी काफ़ी अच्छा था बट मुझे इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा। एंड ये मैंने अगेन रोज़ मिस्ट मंगाया है, ये है एल्प गुडनेस का, ये मैंने ट्राई के लिए मंगाया है, मतलब मुझे वही पसंद है, मैंने एक बार सोचा कि ट्राई करूँ, उससे ये सस्ता है। एंड डर्म डॉग का हेयर मास्क मैं आज आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी, मैंने ऑलरेडी हेयर पे ऑयलिंग करके रखा हुआ है और ओवरनाइट के लिए मैंने छोड़ दिया था, कल रात भी लगा करके, और उसके बाद मैं ये यूज़ करूँगी, तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। इसके पहले मैंने यूज़ किया है लॉरियल का, उसके पहले मैंने लॉरियल यूज़ किया था, मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया, और इससे पहले मैंने और कोई प्रोडक्ट ही नहीं यूज़ किए, तो देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। वैसे मैं जल्दी कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत 2-3 महीने में कभी कहीं जाना हुआ या फिर बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हुए तो मैं इसको यूज़ कर देती हूँ, वरना ऑयल से ही काम हो जाता है। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है अपने हेयर के लिए। इसके साथ इतने सामान के साथ मुझे 3 पाउचेस फ्री मिले हैं, ट्रेवल पाउचेस है। तो फर्स्ट है पीच का नरिशिंग बॉडी लोशन, तो मुझे पीच बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे इससे पहले इन्होंने पीच का मुझे फ्री में सेंड किया था फेस वॉश, और फेस वॉश उसकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने पपाया फेस वॉश यूज़ किया वो अच्छा था। एंड ये है ब्राइटनिंग बॉडी लोशन, ये है नरिशिंग बॉडी लोशन, एंड ये है फूड थेरेपी क्रीम। इन्होंने शायद ये न्यू 3 प्रोडक्ट थे जो इनके लॉन्च हुए थे, इस वजह से इन्होंने ट्रायल बेसिस पे भेजे हैं, देखते हैं। इसका आपको ज़रूर बताऊंगी, मुझे इसकी ज़रूरत थी फूड थेरेपी की, मेरे पैर थोड़ा सा ख़राब हो गए थे, एंड ट्राई करके बताऊंगी कि कैसे हैं। तो बस ये इतना सामान मैंने ऑर्डर किया था, ये आ चुका है। अल्प गुडनेस का ही ये मुल्तानी मिट्टी मैंने मंगाया है, इसके साथ मैं आपको DIYs ज़रूर शेयर करूँगी जो मैं पहले यूज़ करती थी। पहले इतने मतलब मैं कॉस्मेटिक की शौकीन नहीं थी, बट थोड़ा सा ऐसा लगता था, कभी कभी मन करता था जब गर्मी ज़्यादा होती थी तो फेस में इचिंग सी होने लगती, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म और ऐसा लगता था कि पूरा जल रहा है, तो मैं मुल्तानी मिट्टी एंड उसके साथ मैं चंदन का पाउडर और उसके साथ मैं रोज़ वाटर पे मतलब मिला करके उसको मैं फेस पे लगाती थी, तो बहुत आराम मिलता था। तो मैंने तब से मुल्तानी मिट्टी थोड़ा सा यूज़ करना स्टार्ट किया था, वरना मैं कोई वैसे कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करती थी, एंड ये तो अब करने लगी, अरे अच्छा भी अब लगने लगा, क्योंकि जब आदत बढ़ जाती है, या फिर ये कहिए कि मुझे आप लोगों के साथ भी ये शेयर करना था इस वजह से। तो इसके बाद मुझे अपने जो मेकअप चैलेंज मेकअप मेरा YouTube चैनल है, तो उसके लिए मुझे डे टाइम एंड नाइट टाइम का जो स्किन केयर रूटीन था वो शेयर करना था, इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें मंगाई हैं। तो चलिए अब भी हो गया मेरा नाश्ते का टाइम, 8:30 बज चुका है, सुबह 5 बजे के जगे हुए हैं, तो मैंने प्लेट खाली कर दी, तरबूज खा। तो चलिए चलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम हो रहा है, तो ब्रेकफास्ट भी आज बन रहा है थेपला एंड आलू की भुजिया। चलिए रेसिपी आपके साथ। यहाँ पर हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं आलू भुजिया। आलू भुजिया तो सभी को बनानी आती है, तो मैंने यहाँ पर तेल ले लिया है और इसमें जीरा डाल दिया था, जैसे ही तेल हमारा गर्म हुआ है, और उसमें ग्रीन चिली मैंने 2 काट कर ऐड कर दी है, और थोड़ी सी ग्रीन चिली को भून लेंगे, उसके बाद मैंने डाल दिए हैं आलू। इसमें मैं कोई मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ ऐसी सादी जैसे आलू की भुजिया बनती है वो वैसे ही बनाऊँगी।
तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी ऐड करी है एंड बस नमक, और ये हमारे आलू भुजिया में जो जो भी कुछ इंग्रेडिएंट डालने थे वो सब डाल दिए हैं, और इसको बस ढक करके और पका लेंगे। और यहाँ पर मैंने थेपला लिया है रेडीमेड। ये थेपला उसमें जो रेडीमेड आते हैं ये थोड़े से पापड़ के जैसे होते हैं, और इन्हें बस ऐसे ही नॉर्मल पराठों के जैसे सेकना होता है, ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाना होता है, ऐसे ही ये सेक जाते हैं। और एक पैकेट में 5 आए थे। रेडीमेड कुछ थोड़ा बहुत ऐसे रखती हूँ पास में, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी में होता है कि जाना पड़ गया तो बना करके दे दिया। वैसे तो घर पे ही बनाती हैं सारी चीज़ें। और थेपला अगर आपको घर पे बनाना है तो थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा बेसन, उसमें कसूरी मेथी और सारे मसाले डाल करके उसको आटा अच्छे से गूंद करके और पराठे के जैसे बन जाते हैं। तो बस कोई ज़्यादा मतलब टिपिकल नहीं है घर की रेसिपी। और यहाँ पर मैं एक एक करके ऐसे ही थेपला सेक लूँगी। तो यहाँ पर ये हमारे सारे थेफले सेक करके तैयार हो गए हैं और हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बन गया। ऐसा ब्रेकफास्ट हो तो दोपहर में तो खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा पेट भरा भरा सा रहता है। और इससे पहले हम लोगों ने तरबूज भी खा लिया था तो ऑलरेडी भरा हुआ था। तो इधर पर हमारे पराठे सेक गए थेफले एंड इधर पर हमारी सब्जी भी बन गई। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया एंड चलिए ब्रेकफास्ट भी खा ले। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा घर पे बनाने के, और मैं इसकी रेसिपी घर पे जैसे मैं बनाऊंगी तो मैं दूंगी भी आपको। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर आ गए हम सीधे किचन में दोपहर का खाना बनाने। तो दोपहर में आज कुछ वैसा नहीं बन रहा है इंडियन, आज हम बनाने वाले फ्राइड राइस और चिली पनीर। फ्राइड राइस और चिली पनीर की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर दी हुई है एक एक स्टेप, तो मैं यहाँ पर पूरा नहीं बनाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो मैंने ये देखिए तैयार कर दी है फ्राइड राइस एंड यहाँ पर मैंने चिली पनीर के लिए ले लिया है। तो ये बड़े बड़े बारीक मतलब बड़े बड़े शिमला मिर्च एंड प्याज ऐसे काट लिए थे तो इनको ऑयल में डाल दिया। इसमें मैंने डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ी देर भून करके उसमें मैंने सोया सॉस, विनीगर, चिली सॉस एंड टोमेटो केचप। जितना चिली सॉस डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा टोमेटो केचप पड़ता है। और ये हमारा पूरा तैयार हो गया है। इसमें हम पानी डाल देंगे जितनी भी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए ग्रेवी वाली, तो मुझे इतना चाहिए था। और ये थोड़ी पतली ग्रेवी होती है तो इसमें मैंने कॉर्न स्टार्च जो होता है उसको मिक्स करके डाल दिया है जिससे मेरी ग्रेवी थिक हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। और इसमें जब नमक डालें तो अब बहुत ही कम डालिए क्योंकि जितने भी सॉस होते हैं उनमें सब में नमक होता है तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं पड़ती है। और यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिए हैं अपने जो क्यूब्स काट के रखे थे पनीर के और नमक, यानी हमारी चिली पनीर भी बनके तैयार है। चलिए डिनर कर सॉरी डिनर नहीं लंच करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। किसके किसके मुंह में पानी आ जाता है ऐसा लंच देख करके, मतलब अब तो लॉकडाउन है कहीं मिल भी नहीं रहा है, घर पे बना के खाना पड़ रहा है। और यहाँ पर मैंने जो मॉर्निंग में आपको प्रोडक्ट दिखाए थे उससे मैंने यहाँ पर किया था हेयर स्पा, तो मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा रफ एंड ड्राई हैं। कर्ली हेयर है तो कर्ली हेयर में होती है ये प्रॉब्लम, और मैं कुछ प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करती थी। तो मैंने यहाँ पर आज ट्राई किया डमडॉक का जो हेयर स्पा क्रीम आती है, काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे मेरे हेयर। तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। इसका फुल रिव्यू मैंने अपने दूसरे चैनल पे दिया है तो उस पर जाकर के आप देख लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।